सांप तस्करी और रेव पार्टी मामले में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव के साथ अब सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी पूरी तरीके से जुड़ चुका है। आरोपी राहुल के घर पर एक डायरी बरामद की गई है जिसमें सपोयरों के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का पूरा ब्योरा दर्ज है। डायरी में एल्विश की नोएडा के फिल्म सिटी और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र है। एल्विश और फजल पुरिया के बिचौलियों का भी पूरा ब्योरा है। इस लाल डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप वेनम सपेरे टर्नर का भी जिक्र किया गया है, जिसके हर पेज पर पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और पेमेंट का हिसाब किताब भी है। मोबाइल नंबर तक मेंशन किया गया है। अब इन नंबरों के आधार पर सीडीआर पुलिस खंगालेगी। बता दें कि डायरी और उनसे मिले इनपुट के बाद नोएडा पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। यहां पर डायरी से जुड़े दस्तावेजों और पॉइंट्स को रखा गया। सब केस में अब तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जिससे लेकर के एल्विश की गिरफ्तारी हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिन सबूतों को अब खंगाला जा रहा है इसके आधार पर एल्विश गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल बताएं, इस केस में अब तक कई कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही डायरी में जो भी दस्तावेज बरामद हुए हैं उसकी भी अब पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है और एक नए तरीके से अब रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल नाम का जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इससे एल्विश यादव का सीधा संबंध था? दरअसल इसका जवाब भी इसी डायरी में मिलता है। माना यह जा रहा है कि एल्विश का राहुल से कोई भी सीधा संबंध नहीं था, लेकिन डायरी में एल्विश के लिए कहां कहां पार्टी आयोजित की गई ये सब कुछ लिखा है। डायरी में बहुत सारे नाम हैं, ये नाम पार्टी आयोजक और बिचौलियों के हैं। इसी डायरी में एल्विश के बिचौलियों का नाम और फोन नंबर भी लिखा है। अब इन नंबरों के आधार पर पुलिस जांच करेगी, उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जिनका नाम इन डायरी में है। पुलिस ने राहुल के कॉल रिकॉर्डिंग भी नंबरों से मैच की, जिसमें ये साफ पता चला कि राहुल को इन लोगों ने पार्टी में सांप और वेनम के लिए फोन किया था। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के ऊपर सांपों के जहर के इस्तेमाल और उनकी तस्करी का इल्जाम है। इस केस में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। केस के सिलसिले में नोएडा पुलिस यूट्यूबर से पूछताछ भी करना चाहती है, मगर वह पुलिस से बचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी बार भी पुलिस जानकारी हासिल करना चाहती है। बता दें, पहली बार पूछताछ 3 से 4 घंटे चली, जिसके बाद खबर ये सामने आई कि एल्विश यादव की तबीयत खराब हो चुकी है। हालांकि बता दें कि एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने व्लॉग्स को शेयर कर रहा है, जानकारियां दे रहा है, मानो जैसे कि केस का और पुलिस का उसे डर ही ना हो। फिलहाल देखना यह है कि एल्विश यादव का यह जो केस एक के बाद एक जिसमें परतें खुल रही हैं, ये केस कहां तक पहुंचता है। लाल डायरी एक बहुत बड़ा सबूत इस केस में सामने रख सकती है।